इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ, उल्टा होकर एक एक पैर को ऊपर उठाया, उठा करके रोके, फिर ठहर गए, फिर दूसरे पैर को उठाया, टाना। इसके बाद जो मैंने बताया था, दोनों हाथों को पीछे करके चेस्ट को उठाना है, रोकना है, फिर छोड़ देना है, फिर नीचे ठहर जाना है। अब इसके बाद ठीक इसी तरह इसके आगे चेस्ट को उठाएंगे, हाथ बिल्कुल हल्का, और एक पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पैर को रखें नीचे, ठहर गए, उसके बाद चेस्ट को भी डाउन किए, उठेगा पहले चेस्ट, उसके बाद पैर, लेकिन वापस होगा पहले पैर, फिर उसके बाद चेस्ट। फिर चेस्ट को उठाया, होल्ड किए, ये पैर को उठाया, ठीक उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर थाई को टच करें, पैर वापस, फिर चेस्ट वापस। जितना हो सके, अगर थोड़ा ही उठे थोड़ा ही सही, लेकिन ऐसा नहीं कि वापसी में बॉडी में जल लगे फटका जाए, जितना हो सकेगा उतना ही करें। और फिर देंगे, एक पैर को उठाया, रोका, फिर धीरे से ये छोड़ दिया, ठहर गया, फिर इस पैर को उठाया, रोका, फिर धीरे से यहाँ ठहर गया। तो ये हो गया आपका एक। अब इसके बाद और अच्छी जब प्रैक्टिस होने लगे तब फिर क्या करना है, अब इसके बाद ये टाइप ऑफ भुजंगासन, ये उंगलियों को यहाँ रखें, फिर उसके बाद उसको उठाए, होल्ड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर डाउन हो गए। इसमें देखिए बहुत सारे, इसमें तरह तरह के लोगों की राय होती है, मैं जो बता रहा हूँ उंगलियाँ कंधे के बराबर, और इसमें जब उठाएंगे तो ये ध्यान नहीं रखें हिप्स उठाना है कि नहीं उठाना है, वो आप ध्यान छोड़ दें, सिर्फ चेस्ट को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और एल्बो को सीधा कर दिया, कमर को ढीला कर दिया, सांस छोड़ दिया, गर्दन ऊपर नहीं टांगना है, नीचे भी नहीं झुकाना है, सीधा देखना है, नॉर्मल जितना हो सके होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे छोड़े, ठहर गए। फिर उसके बाद 2-3 सेकेंड्स रोक करके उसके बाद फिर उठा, फिर ये किए, फिर ठहर गए। इसे भी 5-7 बार करेंगे फिर ठहर जाएंगे। इसके बाद लास्ट ये दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ठुड्डी को रखेंगे, दोनों पैरों को पंजा अंदर की तरफ, ठोस अंदर, टाइट नहीं रहेगा। अब एड़ी बाहर की तरफ, दीवार की तरफ खींचेंगे, खींच करके रोका, तो ये याद रखिए कमर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ नीज को ऊपर की तरफ टाना, फिर छोड़ दिए, फिर टाना और एड़ी बाहर की तरफ, ऐसा नहीं कि फिर वापस लाने में ऐसे आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेच किया स्मूथली, एड़ी बाहर, फिर वापस, फिर छोड़ दिया, फिर टाना, फिर छोड़ दिया। अब इसके बाद 5-7 बार ये करने के बाद एक एक पैर को, पैर का डायरेक्शन बाहर की तरफ, देखिए झटका नहीं देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार इतना करके फिर ठहर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फोरहेड को यहाँ रखें, उसके बाद ये करें। फिर इसके बाद इतना करने के बाद उल्टा हुआ तो इसके बाद रिवर्स भी करना होता है, ताकि फिर इसका रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए कुछ, चूँकि कोई फिजियो आपके पास नहीं होता है जो ट्रैक्शन वगैरह दे सके, तो क्या करना चाहिए उसके लिए फिर मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।
यहाँ तक आप फॉलो करें, ध्यान रखें। धन्यवाद।